धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट का मुद्दा गर्मा गया है। इसे लेकर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण सह खेल मंत्री हफीजुल हसन के इफ्तार पार्टी को लेकर जमशेदपुर निवासी मुकेश राज ने फेसबुक पोस्ट किया था। पोस्ट में पवित्र जल पर टिप्पणी करते हुए जन्नत का रास्ता बताया था। इससे नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हिदायतुल्ला खान ने बिष्टुपुर थाना में मुकेश राज सहित पोस्ट को फॉरवर्ड करने वाले उमेश साव के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। हिदायत खान ने कहा कि पवित्र रमजान महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पिछले दिनों मंत्री हफीजुल हसन ने भी इफ्तार पार्टी आयोजित की थी। इस क्रम में मंत्री ने पवित्र जल का उपयोग किया था, जिस पर जमशेदपुर के मुकेश राज ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए फेसबुक पर जन्नत का रास्ता बताते हुए टिप्पणी की थी। उसी के विरोध में शनिवार को बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने मुकेश राज के भाजपा का सदस्य होने की बात कही, हालांकि यह भी कहा कि वे किसी पार्टी विशेष पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। मामला ऐसा है कि मुकेश राज नामक कोई जमशेदपुर का व्यक्ति फेसबुक में बहुत ही गंदा टिप्पणी हमारे पवित्र जल, इस्लाम धर्म के पवित्र जल आबे जमजम जो हज में लोग जाते हैं, मक्का में एक ऐसा झरना है जिसपे पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये अकीदा है, ये अपना एक सोच है, यकीन है कि हम उस जल को अगर पीते हैं, जिस नियत से पीते हैं, जिस बीमारी की नियत से पीते हैं, ये हमारा धार्मिक अकीदा है। और हमारे पवित्र जल की तुलना शराब को हमारे पवित्र जल की तुलना से तुलना किया है। हमारे माननीय मंत्री जनाब हफीजुल हसन साहब कड़वा में अफ्तार पार्टी के बाद बैठकर एप्पल जूस पी रहे थे, तो उस पर वो टिप्पणी करता है कि मंत्री जी पीला पीला जमजम से जन्नत जाने का रास्ता बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है और मुसलमान बहुत इस मामले को लेकर आक्रोशित है, दुखी है। इसलिए हम लोगों ने कानून का सहारा लिया है। कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।